सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के इस अध्याय में चर्चा करेंगे टेंशन और पुल्ली के रोल के ऊपर। पिछले अध्याय में हमने नॉर्मल रिएक्शन और वेट और उसके रिलेशन पे चर्चा की थी। मैं एक बात बताता चलूँ कि डिफरेंट फोर्सेस को सेपरेट पढ़ करके और बाद में असेंबल करके डायनामिक्स के प्रॉब्लम को अगर हम बनाने की कोशिश करेंगे तो ये काफ़ी सहूलियत भरा और आसान टेक्निक रहेगा। हर बार ऐसा होता होगा कि आप जब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चन बनाते होंगे तो अचानक से कई तरह के फोर्सेस आ जाते होंगे और सबको आप वहाँ पर अगर नहीं अकाउंट में लें तब तो ऐसे ही प्रॉब्लम नहीं बनेगा। और कभी कभी सबको एक साथ लेने में अगर सबका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है तब आपको दिक्कत होगी। तो आज इस लेक्चर में बेसिकली हम लोग कोशिश करेंगे कि समझ लें इस बात को कि टेंशन कब और कैसे लगता है, साथ ही साथ टेंशन का रोल पुली कैसे इफेक्टिवली चेंज करता है। इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए सबसे पहले टेंशन इन स्ट्रिंग या वायर की बात करते हैं। जैसा कि सबको मालूम है टेंशन एक कॉन्टैक्ट फोर्स है जो बाय मीन्स ऑफ थ्रेड वायर रोप या स्ट्रिंग अप्लाई होता है। ओके, तो यहाँ पर थ्रेड वायर रिंग स्ट्रिंग ये वर्क कैसे करता है, तो ये एज ए मीडियम वर्क करता है। जब आपको कॉन्टैक्ट की ज़रूरत होती है किसी ऑब्जेक्ट तक आप डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर सकते तो वैसे केस में आप थ्रेड का हेल्प लेते हो। नेक्स्ट अगर यहाँ पर बात करें इसके नेचर की तो मोस्ट ऑफ द फोर्सेस जो डिस्कशन में आ रहे हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर के ही हैं, मोलिकुलर ओरिजिन के ही हैं। यह भी फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का ही है और इसलिए हम यहाँ पर बात करेंगे कि सबसे पहले आप अगर एक ब्लॉक ले लें, इस तरह का कोई ब्लॉक है और उस ब्लॉक के साथ आपने एक थ्रेड जोड़ दिया जो थ्रेड आपको लूज है। ओके, लूज थ्रेड जब तक रहेगा तब तक आपको टेंशन जो होगा वो जीरो होगा क्योंकि ये थ्रेड टाइट नहीं है। और तो टेंशन इज इक्वल टू जीरो व्हेन आप बोल सकते हैं थ्रेड या स्ट्रिंग जो भी इज लूज। ओके, नेक्स्ट अगर इसी स्ट्रिंग को हम स्ट्रेच करके टाइट कर दें तब क्या होगा। अगर स्ट्रिंग पे एक फोर्स एफ लगा दिया और एफ लगाने के बाद से ये जो स्ट्रिंग या वायर था वो स्ट्रेच्ड हो गया, टाइट हो गया, तो ऐसे केस में हर पॉइंट पे यहाँ पर टेंशन लगेगा। ओके, तो जैसा कि आप टेंशन को मार्क करना चाहें तो इस तरह का क्रॉस मार्क कीजिए। मैंने पॉइंट वाइज क्रॉस मार्क करके दिखाया, यहाँ पर टेंशन टी, यहाँ पर भी टेंशन टी, हर जगह टेंशन टी कब होगा है ना। टेंशन विल बी सेम कब, जब आप ऐसा देखो कि ये थ्रेड जो है वो मासलेस थ्रेड के केस में। अच्छा, ये मासलेस एजम्पशन है इन कंपैरिजन टू ब्लॉक। ऐसे भी थ्रेड अगर हम यूज करते हैं, ब्लॉक कुछ केजी का है, थ्रेड मिलीग्राम के सेंस में होगा, तो ऐसे केस में उसका मास आप नेगलेक्ट कर सकते हो और मासलेस थ्रेड का कंसेप्ट आप लेकर के चल सकते हो। जब तक आपको बोला नहीं जाए तब तक थ्रेड आपके लिए मासलेस ही रहेगा और अगर थ्रेड में मास आ जाए तब आप थोड़े से अलग तरह से उसको ट्रीट करेंगे, वो भी बात मैं बताऊंगा। यहाँ पर टेंशन विल बी सेम कब, मैंने बताया इन्हें सिंगल थ्रेड, जब एक थ्रेड की बात करें सिंगल थ्रेड। ओके, अभी अगर हमारे पास सिंगल थ्रेड के बजाय थ्रेड का नंबर ज़्यादा हो, मल्टीपल थ्रेड हो, ब्लॉक्स को कनेक्ट किया हुआ हो, जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ दो ब्लॉक्स हैं और इधर आपने कोई फोर्स अप्लाई कर रखा है। ओके, यहाँ पर दो मासलेस थ्रेड हैं, मतलब थ्रेड यहाँ पर डिफरेंट हैं। ओके, तो ऐसे केसेस में यहाँ पर टेंशन तो आप टी मार्क करेंगे और यहाँ पर टेंशन आप टी नहीं मार्क करेंगे, दोनों पॉइंट पे अलग अलग टेंशन आपको मार्क करना पड़ेगा। तो इन बोल सकते हैं कि डिफरेंट है ना, डिफरेंट मासलेस थ्रेड्स, मासलेस ही है, क्या होगा, टेंशन विल बी डिफरेंट। इस कॉन्सेप्ट को भी आप देख लेंगे। हाँ, अब मैं बात कर रहा था कि जब थ्रेड मास वाला हो जाए तब कई बार आपने देखा होगा
जो इलेक्ट्रिकल वायर ओवरहेड वायर जाते हैं वो कुछ हैवी होते हैं, और ऐसे केस में अगर हैवी थ्रेड है मान लीजिए कि इस तरह से, और इसको हम लोग पुल कर रहे हैं, वायर को पुल कर रहे हैं, तो यहाँ पर फोर्स एफ से पुल करेंगे, हर पॉइंट पे टेंशन इक्वल नहीं होगा। जैसा यहाँ पर आप देख रहे हो कि हर पॉइंट पे ही टेंशन इक्वल है, हर पॉइंट पे ही टेंशन सेम है, यहाँ पर जहाँ पर फोर्स अप्लाई किया वहाँ पर तो टेंशन मैक्सिमम होगा, और जहाँ आप दूसरे एंड को कनेक्ट किए हो वहाँ पर टेंशन आपको मिनिमम होगा। ओके, आपने देखा होगा जब अल्मोनियम के वायर पोल के ऊपर हैंग होते हैं तो बीच में वो बैंड हो जाता है कुछ इस तरह से। ये बैंडिंग किस लिए, तो ये मैं बता दूँ, उसके अपने मास के कारण ऐसा होता है। और आप देखोगे कि पोल जहाँ पर वो टाइड है वहाँ पर तो थ्रेड लगभग स्ट्रेट दिख रहा था, लेकिन मिडिल पार्ट में वो झुक गया। तो ऐसा इसलिए क्योंकि हर पॉइंट पे वहाँ पर टेंशन डिफरेंट होता है, जहाँ पर पोल पे वहाँ पर अटैच है, बंधा हुआ है, वहाँ पर टेंशन मैक्सिमम है, जबकि बीच वाले पार्ट में टेंशन ग्रेजुअली डिक्रीज होने लगता है। ओके, तो यहाँ पर टेंशन हर पॉइंट पे डिफरेंट होगा अगर थ्रेड क्या हो जिसका मास हो। ओके, हैवी थ्रेड के केस में तो मास जब कंसीडर करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में बता देगा कि मास कब कंसीडर करना है कब कंसीडर नहीं करना है, तो जब भी आप मास कंसीडर करेंगे तो मास के कंसीडरेशन के समय आपको एक बात क्लियर हो जाएगी कि जब थ्रेड मास वाला रहा तो ऐसे केस में टेंशन आपको डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट लेना है। ओके, जैसे ऊपर वाले से ही मैं एक बात क्लियर कर दूँ आपको यहाँ पर कि अगर हमको टेंशन निकालना है तो कैसे निकालेंगे। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि टेंशन किसी भी ब्लॉक को किसी भी ऑब्जेक्ट को केवल पुल कर सकता है, पुश नहीं कर सकता है, जस्ट अपोजिट टू दी नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन पुश कर सकता था, पुल नहीं कर सकता था, यहाँ पर उल्टी बात है, याद रखेंगे। तो ऐसे हालात में जैसे अगर मान लो आपके यहाँ पर मैंने 4 kg का ब्लॉक ले लिया, यहाँ पर 2 kg का ब्लॉक ले लिया, और यहाँ पर फोर्स जो अप्लाई कर रहे थे वो आप 12 न्यूटन एज्यूम कर लें, तो अगर हमको टेंशन इस दोनों के बीच का निकालना है, मतलब T1 निकालना है, हो सकता है हमको यहाँ इस थ्रेड में टेंशन निकालना हो, वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि अगर हम ब्लॉक 4 kg पे टेंशन निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले पूरे को एक ब्लॉक एज्यूम कर लेंगे, और एज्यूम कर लेंगे तो क्रॉस अगर मारा है तो इसका मतलब ये टेंशन T1 दोनों तरफ से लग रहा है, टेंशन T2 भी दोनों तरफ से लग रहा है, तो म्यूचुअल फोर्सेस कैंसिल हो जाएंगे। अगर ये 4-2 6 kg का सिंगल ब्लॉक पॉइंट मान लिए तो वैसे केस में आप यहाँ पर देखो जो फोर्स है यहाँ पर 12 न्यूटन का है ना, एक्स एक्सिस में सिर्फ इकलौता फोर्स लग रहा है, तो आप यहाँ पर एक काम कीजिए, सिग्मा FX वाला कंसेप्ट यूज कर लीजिए जो कि MAX के बराबर होगा। इधर तो 12 लिख लिया, इधर 6 लिख लिया, एक्सीलेशन जो कि इधर प्रोसीड कर रहा था तो एक्सीलेशन ए लिख लिया, तो ए इज इक्वल टू आपको 2 m/s² आ गया। अच्छा, ये कॉमन सिस्टम मानने का प्रचलन तब चलेगा, कंसेप्ट तब चलेगा जब दोनों के पास कॉमन एक्सीलेशन हो। अब एक बात देख सकते हैं, जब 12 न्यूटन से आप इस ब्लॉक को खींच रहे थे तो दोनों ब्लॉक एक ही साथ डिस्प्लेस कर रहे थे, मतलब डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम सेम होगा, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी भी सेम होगा, मींस एक्सीलेशन सेम होगा, तो दोनों ब्लॉक के एक्सीलेशन सेम है इसलिए आप दोनों ब्लॉक को कॉमन मान करके और बना लिए। अब अगर आप 4 kg वाले को सेपरेट करते हैं, यहाँ पर 4 kg को सेपरेट कर दिए, तब देखिए आपको क्या होगा, इधर से आप एक काम कीजिए, कवर कर लीजिए इसको पूरे इस तरफ से। अब आपको एरो जो दिख रहा है उस पर ध्यान दीजिए, जिधर एरो आपको दिखा उधर का ही एरो मार्क करना है 4 kg पे टेंशन को जानने के लिए। तो 4 kg पे अगर हम टेंशन यहाँ पर दिखाना चाहें तो T1। ओके, अभी हम फिर से सिग्मा FX एक ही फोर्स यहाँ पर लग रहा है। अच्छा, ये 12 न्यूटन बोल सकते हैं कि इस पे लग रहा है, लेकिन डायरेक्टली नहीं लग रहा है, जब तक डायरेक्टली उस पे फोर्स दिखे नहीं तब तक हमको उसको नहीं लेना है। ऐसे हालात में आप टेंशन की बात जब करेंगे तो T1 इज इक्वल टू मास तो आपके पास 4 kg एंड इनटू एक्सीलेशन अभी निकाल लिया 2, यानी 8 न्यूटन यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ओके, अभी आप अगर नहीं चाहते ऐसा तो आप एक काम कर लीजिए,
कि 2 केजी वाले ब्लॉक को भी ले सकते हैं। अगर 2 केजी वाले ब्लॉक को लेते तो देखिए इधर से 4 केजी को कवर करें तो इधर से आपके पास जो टेंशन है ये इधर आपको T1 लग रहा है, ओके। और इधर से अगर टेंशन की मार्क बात करेंगे तो यहाँ पर टेंशन क्या लग रहा है तो T2 लग रहा है, उसको भी मार्क कर दिया। आप टेंशन T2 निकालना चाहते हैं, चलिए टेंशन T2 भी निकल जाएगा। तो ऐसे केस में देखिए T2 पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ है, माइनस आप T1 करेंगे इज इक्वल टू मास, मास आपके पास 2 और एक्सीलेशन 2, ओके। ऐसे केस में T2 माइनस यहाँ पर 8 लिख लिए इज इक्वल टू यहाँ पर कितने हो गए तो 4। T2 आपके पास 12 न्यूटन आ गया। ये 12 न्यूटन T2 का वैल्यू क्या शो करता है ये भी समझ लें। जितना फोर्स अप्लाई कर रहे थे क्योंकि बीच में कोई ब्लॉक नहीं था, यानी यहाँ जो फोर्स आपने अप्लाई किया वही टेंशन यहाँ भी है, मतलब यहाँ अप्लाइड फोर्स ही टेंशन है, ओके। तो ऐसे हालात में आप देख सकते हैं कि टेंशन के कैलकुलेशन को भी समझ गए, टेंशन कैसे कैलकुलेट होगा ये भी। हाँ, अब रही बात टेंशन की डायरेक्शन की बात, यहाँ समझाए एक बार और आपको इसको क्लियर करना चाहेंगे हम। जैसे आप पॉइंट मार्क कर लीजिए, अगर आप यहाँ पर पॉइंट मार्क किए एक नंबर, यहाँ पॉइंट 2, यहाँ 3। अब देखिए सिर्फ ब्लॉक की बात करते हैं और ब्लॉक को पॉइंट लेकर के चलते हैं, तब वहाँ पर टेंशन अगर आपको मेजर करना है तो कुछ नहीं, इधर से आप कवर कर लीजिए, आपको एरो दिख रहा होगा। तो ब्लॉक पे जो टेंशन है वो आपने यहाँ पर दिखा दिया T। अगर आप पॉइंट नंबर 2 पे टेंशन दिखाना चाहते हैं, ये आपका पॉइंट नंबर 2 हो गया, ये तो ब्लॉक की बात की हम लोग, ये जो आपको ब्लॉक दिख रहा है उसकी बात थी। हाँ, पॉइंट नंबर 2 की बात होगी तो देखिए पॉइंट नंबर 2 पे यहाँ पर टेंशन एक इस तरफ है, ओके, एरो दिख रहा है। और यहाँ पर अगर आप टेंशन देखेंगे यहाँ पर भी टेंशन आपके पास T है। जैसा कि मैंने यहाँ दिखाया कि बीच में कहीं कोई ब्लॉक नहीं है और थ्रेड मासलेस है, वैसे केस में हर पॉइंट पे ओके टेंशन सेम रहेगा। जैसे अगर पॉइंट नंबर 3 की बात करें तो यहाँ पर क्या दिखा सकते हैं फोर्सेस, इधर से आप कवर करेंगे तो इधर से आपको T दिखेगा, ओके। और अगर आप इधर से देखेंगे तो इधर से F दिखेगा। तो इसीलिए तो मैं बोला कि जब मास नहीं है, है ना, तो टेंशन हर पॉइंट पे सेम होगा। यहाँ पर कैलकुलेशन करके भी देख सकते हैं, आप क्या लिखेंगे, F माइनस T इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलेशन। एक्सीलेशन कुछ भी हो, अगर मासलेस एज्यूम कर रहे हैं तो मास तो 0 इंटू एक्सीलेशन, यानी F इज इक्वल टू क्या होगा T, मतलब इन बिटवीन अगर कोई ब्लॉक नहीं है और थ्रेड मासलेस है तो वैसे केस में आप टेंशन फोर्स के इक्वल ही मान लेंगे, अप्लाइड फोर्स के इक्वल ही मान लेंगे। तो चलिए ये बात हो गई टेंशन की, टेंशन पे और भी क्वेश्चंस बहुत सारे आएंगे। अब हम लोगों को डिस्कस जो करना है वो बेसिकली रोल ऑफ पुल्ली की बात करनी है। अच्छा, पुल्ली के बारे में आप सिंपली जानते हैं कि वो एक सिंपल मशीन है। वो सिंपल मशीन करता क्या है तो इफ़ेक्टिव मैनर में चेंज करता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स को, और ऐसा हो सकता है कि फोर्स के इफ़ेक्ट को इन्हेंस भी कर दे। तो अभी टेंशन स्ट्रिंग के साथ रोल ऑफ पुल्ली भी देख लें, ओके। ये रोल ऑफ पुल्ली जब देखना हो, चलिए एक सिचुएशन हम आपको यहाँ देते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि गांव के लोग कुएं से पानी भरते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर बकेट है और बकेट के साथ रोप लगा हुआ है, और आप यहाँ पर एज पे खड़े होकर के इस बकेट को पुल कर रहे हैं, ओके। यही चीज आप देखेंगे गांव में एक दूसरा अरेंजमेंट भी होता है, वही कुएं से पानी भरने की बात है, ठीक है, बकेट यहाँ पर लगा हुआ है और इस तरह से करके यहाँ पर एक पुली का अरेंजमेंट होता है और आप यहाँ पर ओके इसको पुल करते हो पकड़ करके। तो दो सिचुएशंस आपके पास हैं, एक तो एग्जांपल ये हो गया, दूसरा आपने देखा होगा कि मल्टीपल पुल्ली का हेल्प से कितनी आसानी से क्रेन जो है हैवी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट कर लेता है। ट्रक जो है हो सकता है मास में हैवी हो इन कंपेरिजन टू द क्रेन, और तब भी वो क्रेन कैपेबल होता है उस ट्रक को या गाड़ी जो गिरी हुई है उसको उठाने में, क्यों और कैसे। तो बेसिकली यहाँ पर रोल ऑफ पुल्ली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप देखेंगे टॉप पे मल्टीपल पुल्ली लगे रहते हैं, ये जो
गियर वाला सिस्टम है, साइकिल की बात करें, गियर वाले बाइक की बात करें, इसमें भी आपको पुली का ही रोल है। आप देखते हो जब भी आपको हाइट पे चलना रहता है, स्टैंड करना रहता है, वैसे केस में आप गियर बदल देते हो, वर्क आसान हो जाता है। तो वो भी पुली का ही इफेक्ट है। फिजिक्स में हमको इसको पढ़ना है और डिस्कस करना है, इसलिए हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। और ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है। ओके, अब मैं बोल रहा था कि पुली एक ऐसा सिस्टम जो वर्क को आपको ईजी कर देगा, बिन फोर्स के इफेक्ट को इन्हेंस कर देगा, डायरेक्शन को चेंज कर देगा। कैसे? अगर आप इस तरह से कुएं से पानी निकालते हैं तो वैसे हालात में क्या है, आप फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहे हैं, आपका फोर्स ऊपर लग रहा है और आपका वेट नीचे है, तो यहाँ पर आपके फोर्स को आपका वेट सपोर्ट नहीं कर रहा है। वैसे हालात में जो आर्म का स्ट्रेंथ रहेगा उसके अनुसार ही पानी खींच पाओगे। अगर बकेट बहुत बड़े साइज का हो तो पानी खींचने में मुश्किल हो सकती है, मुश्किल होती भी है। अभी इस केस में जहाँ पर पुल्ली लगा हुआ है, वैसे केस में हम बकेट को रोप से नीचे की तरफ खींच रहे हैं। पहले हम रोप को ऊपर खींच रहे थे, फोर्स का डायरेक्शन देखिए, और अब पुल्ली पे लग गया तो फोर्स हम नीचे अप्लाई कर रहे हैं और हमारा वेट भी नीचे की तरफ है। इस केस में हमारे एफर्ट को हमारा वेट सपोर्ट करता है और इसलिए ऐसे केस में ईजिली बकेट ऊपर आने लगता है। ओके, ये तो हो गई बात। यहाँ पर कई ऐसे सिचुएशंस आपको मिलेंगे जो आपको इम्पॉसिबल लग सकता है, लेकिन ये इम्पॉसिबल सिचुएशन भी पॉसिबल हो जाए अगर आप पुली का हेल्प ले लेंगे। एक एग्जांपल जो एस सी वर्मा सर के बुक में भी दिया हुआ है और जगह भी दिया हुआ है, जैसे अगर आप यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म पे मान लीजिए कि खड़े हैं, ये प्लेटफॉर्म के पोजीशन पे खड़े हैं, और अभी यहाँ पर कोई व्हील नहीं लगा हुआ है, साइकिल टाइप का पैडल नहीं लगा हुआ है, बाइक टाइप का इंजन नहीं लगा हुआ है, और अब बात होती है कि नहीं, इस प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाना है। ओके, पहली नज़र में, फर्स्ट साइट में आप बोल सकते हैं कि ये इम्पॉसिबल हो सकता है, लेकिन यही बंदा अपने ही एफर्ट से इसको कैसे आगे बढ़ा सकता है, तो वो भी आप देख लीजिए। अरेंजमेंट कुछ ऐसा करना पड़ेगा। ओके, इस तरह का अरेंजमेंट अगर आप कर लेंगे तो इस तरह के अरेंजमेंट करने के बाद ये पर्सन अपने ही एफर्ट से इस ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ा पाएगा, प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ा पाएगा। मान लीजिए कि इस तरह से इसको पुल्ली हैंड में पकड़ा दिए और यहाँ पर आपने अटैच कर दिया। अब देखिए यहाँ पर पुल्ली का रोल और टेंशन कितना इम्पॉर्टेंट है समझने में। सबसे पहले ये अपने हाथों से रोप को नीचे की तरफ खींचेगा। ओके, वैसे केस में टेंशन जो लगा वो देख रहे हैं, ये टेंशन आप इधर भी देख सकते हैं, यही ये ऊपर की तरफ और यही इधर भी लगेगा। तो ऐसे हालात में ये प्लेटफॉर्म अगर यहाँ फ्रिक्शन मिनिमम है, कम है, तो आगे की तरफ बढ़ जाएगा और ये पर्सन नीचे गिर जाएगा। कई बार ये क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया हुआ है, आप जब देखेंगे एस सी वर्मा में मिलेगा, प्लेटफॉर्म के एज पे खड़ा है बंदा, जो पर्सन है वो यहाँ पे खड़ा है और ये प्लेटफॉर्म का लेंथ दिया हुआ है। आपको ये निकालना होता है कि कितने टाइम के बाद वो प्लेटफॉर्म से नीचे आ जाएगा। ओके, तो इधर आपको एक्सेलेशन जैसे पिछली बार कैलकुलेट कर रहे थे निकल जाएगा, उससे वेलोसिटी निकल जाएगा, और एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज कर लेंगे तो आपको टाइम भी निकल जाएगा, इसका लेंथ दिया रहेगा, दैट इज इक्वल टू एस। ओके, सो यहाँ पर आपने देखा कि जो टेंशन इन स्ट्रिंग है और आपका पुल्ली है आपस में किस तरह से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ एफर्ट को इन्हेंस कर देते हैं,